by the time your friend cancels the plan of your Goa trip, I have someone with me जो बिल्कुल same city से है, same college के लिए जा रहे हैं, same college से आते हैं, same class में है, same course के लिए जा रहे हैं. There are so many similarities between those two, and आपका शायद Goa का plan cancel होना हो या success होना हो, but their plan of studying abroad is successful. So welcome back to our channel, because इस interview में it's something different. Typical visa की बातें नहीं करेंगे, in general जानेंगे how can a friendship goal come true, because इटली जाना that too for studies, हम गोवा ट्रिप नहीं जा पा रहे, so it is something really special. So stay with me because there's a lot to discuss with this friends. So yes, a very warm welcome to our interview. Sitting with me today is Tushar along with Anjali Rajput. So yes, Tushar से तो आप पहले मिले हुए हैं. Anjali, a small introduction from your side. Hello, my name is Anjali and I am from Prestige University. I have done my BTech from there and I'm going to casino, Italy. Yes, मैंने बोला था उनको कि अभी थोड़ा कम बोले, बिकॉज आगे जो बातें हैं उसमें टाइम दिया जाए इसीलिए. ओके सो बोला था ना कि ज़्यादा वीज़ा के बारे में बात नहीं करेंगे. इनिशियली फ्रेंडशिप गोल्स पूरे हो रहे हैं, तो फर्स्ट इज कि यार ये आइडिया कहाँ से आते हैं, ऐसे खुराफाती आइडियाज़ कहाँ से आए कि हम साथ में इटली जाएंगे एट फर्स्ट. सो हम लोग ने साथ में ही सब कुछ किया था, जैसे कि हम लोग कॉलेज में साथ में थे, सेम डिपार्टमेंट से सब कुछ साथ में हमने किया था, प्रोजेक्ट भी हमने साथ में किए थे, तो वहाँ से हम लोग ने सोचा कि व्हाई नॉट वी चूज अ करियर टुगेदर. तो हम लोग ऐसे साथ में सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो अंजलि का ऑब्वियसली आइडिया था कि हम लोग बाहर जाएँ, लेट्स व्हाई नॉट स्टडी फर्दर. तो वहाँ से हम लोग ने सोचा कि ढूंढा कि क्या कर सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग आइडिया लग गया कि लेट्स स्टडी अब्रॉड. ओके, स्टडी अब्रॉड का आपने सोचा, बट इनिशियल आइडिया कहाँ से आया कि यार ये कंट्री में जाते हैं, यहाँ करते हैं, क्या इनिशियल प्रिपरेशन क्या थी आपकी इस प्रोसेस? एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज देखी और उसमें फिर बजट भी देखा. एज अ मिडिल क्लास हमारे पास ज़्यादा बजट तो रहता नहीं है, तो सर्च रिसर्च करने के बाद पता चला कि इटली है जो ऐसे स्कॉलरशिप्स देती है एंड फ्री एजुकेशन देती है और मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारे लिए, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम इटली के लिए यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें. ओके, सो इनिशियली इनका बैकग्राउंड अच्छा था, बिकॉज ऑलरेडी दे हैड बीन देयर फॉर लाइक अ होल कोर्स ऑफ बीटेक, दैट मींस 4 साल का कोर्स, इसीलिए दे हैड द प्लान. Think of yourself and think of your other friend who has been with you for 3-4 years, and you could be another one doing this part too. Okay, now talking of this initial part, जब इतनी countries के भी options थे आपके पास, फिर आप बता रहे थे जैसे interview से पहले की बात है कि आप Poland और ये सब भी गए हुए थे, so initially Poland और ये सब का नहीं सोचा आपने जाने के लिए फिर? नहीं, हमने पोलैंड का एज सच नहीं सोचा था, क्योंकि पोलैंड इज अ डिफरेंट कंट्री और हम लोग को जो चाहिए था वो पोलैंड में नहीं मिल रहा था एज सच. फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ का लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वहाँ का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है. इटालियन इज सिंपली स्पैनिश और इटालियन जो है वो ईजिली है, वहाँ के बहुत सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो ऐसा टूरिस्ट प्लेस वो बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं. पोलैंड इज नॉट फेमस फॉर सम, यू नो, सो कैसे बोल सकते हैं, एजुकेशन वाइज वो इतना फेमस नहीं है, उसमें वो जो यूनिवर्सिटीज नहीं है जो हम चाहते हैं, जो करिकुलर हम चाहते हैं. तो हम लोग ने फिर स्पेसिफिकली हमने दूसरी जगह भी, जैसे आप बोल रहे हैं कि वाई नॉट पोलैंड, हमने दूसरी जगह भी सोचा था कि वाई नॉट यूके जो इतना फेमस है, वाई नॉट यूएस, तो हम लोग ने वहाँ पे भी एक बार सोचा था. बट फिर अगेन जैसे अंजलि ने कहा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, वहाँ पे जो स्टडी है वो 1 ईयर का होता है रादर देन 2 ईयर्स. दिस इज ऑल्सो वेरी मेजर, यू कैन से पॉइंट जो हम लोगों को लगा, जो स्ट्राइक हुआ था कि ये बहुत ज़रूरी है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2 साल के ही करना चाहते हैं, 1 साल के लिए कोई चीज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें मास्टर होना बहुत अच्छा होता है साथ एक्चुअली. तो हमने फिर इटली चूज़ किया. पोलैंड में भी उतना ज़्यादा नहीं था जो हम लोग को चाहिए था, तो इटली वॉज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर अस टू. ओके, ऑलराइट. एंड नाउ जैसे इनिशियली मैं एक और बात करूँ आपसे कि इनिशियली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको प्रोसेस के बारे में समझाते हैं, सब करते हैं, सो व्हाट वर योर रिएक्शन जब फर्स्ट टाइम आपने यूरो ड्रीम से या किसी भी कंसल्टेंट से बात करी थी कि हमको एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको भी पता है दैट दे सेड कि ऐसा बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है. हम लोगों ने बहुत कंसल्टेंसीज ढूंढी, हमने यूके के लिए भी गए, हम लोगों ने सब जगह देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बजट बैरियर था. एंड फिर बाद में वहाँ पर ऐसा भी था कि दूसरी कंट्रीज में अगर जाते हैं तो वो मनी ब्लॉक कर देते हैं उतना जितना हमें दिखाना रहता है, फिर वो दिक्कत होती है. मतलब वो ऐसा सीन है कि वो शायद देते नहीं है उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे. तो फिर हमने सोचा कि इटली में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी उस चीज़ में,
इसलिए फिर हम लोगों ने फिर इसने रिसर्च करी, फिर इसको यूरो टीम्स के बारे में पता चला एंड देन फिर हम लोग ने यहाँ पे विजिट किया। ऑलराइट, सो इनिशियली तो वही लग रहा था ना कि यार कहाँ होता है वो, तो हमने यहाँ पे भी वही बात करी थी कि कैसे होगा क्या होगा उस टाइप से, तो उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए हम हैं ना सर के, उन्होंने भी बताया था कि हम भी हैं करके, हो जाएगा आप फिक्र मत कीजिए। तो हम लोगों को थोड़ी होप फिर ऐसे मिली कि हाँ अच्छा है, फिर हम लोग ने इनके साथ टाई अप किया एंड देन यहाँ से हम लोग ने आगे प्रोसीजर चालू किया। वो होप थोड़ी सी होनी चाहिए। आई थिंक दैट वाज आवर बेस्ट डिसीजन जो हम लोग ने किया था। तो उसके बाद आज हम लोग का दोनों का वीजा लग गया एंड वी आर गोइंग टुगेदर टू इटली। ओके, इनिशियली मेरे प्लान करने से तो मैं इटली नहीं पहुंच जाऊंगा, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। नाउ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट कम्स इनटू पिक्चर इज फैमिली बैकग्राउंड एंड फैमिली का सपोर्ट। हर कोई तो ऐसे बोलता नहीं है ना कि यार आजकल इटली चले जाते हैं, तो व्हाट डिड यू से योर होम, घर पे क्या बात हुई थी सबके बारे में? आई सेड कि एक बार पोलैंड होकर आए हैं और पढ़ने की इच्छा है वहाँ पर, मतलब कल्चर काफ़ी अच्छा रहता है यूरोप का, तो हमें जाना है। तो दे सेड कि हमारा इतना बजट है, लुक एट फॉर मतलब कुछ ऐसा कि जो हमारे बजट के अंदर फिट हो जाए। तो फिर हम लोगों ने फिर इसमें डिसाइड किया, अगर वो बजट के बाहर होता तो शायद मुश्किल होती। सो दे वर ऑब्वियसली सपोर्टिंग मी, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया कि जाओ बिल्कुल जाओ, पढ़ाई करने जा रहे हो अच्छा है। तो उनका पूरा सपोर्ट था इस चीज़ में, फेवरेबल थे उस चीज़ को लेके, तो साथ में थे तो और भी इजी था, मतलब घर फैमिली फ्रेंड्स हैं तो इतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया कि ठीक है अच्छी बात है दोनों कर रहे हो। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है आपको बाहर स्टडी करने का, बिकॉज एक तो फैमिली का सपोर्ट होना और अगर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन चीज़ों में आपको थोड़ा एक बार देखना पड़ता है कि फैमिली के साथ आप कितना टाई अप है आपका, और जैसे अगर फैमिली आपको नहीं करी तो उनको मनाना भी पड़ता है कभी कभी कि यार हम फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आई वाज डूइंग माय जॉब, वो बोले इंडिया में क्यों नहीं जॉब करते, इंडिया में इतना अच्छा है, इंडिया में क्यों नहीं पढ़ाई करते, पॉइंट्स से दिखाने पड़ते हैं देखो यहाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो बट फैमिली हमारी काफ़ी सपोर्टिव थी, उन्होंने बोला नहीं तुम, उन्होंने खुद सपोर्ट किया, ऐसे नहीं, नहीं तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैमिली से नहीं बाकी लोगों से आते हैं कि क्यों इंडिया में नहीं कर रहे, वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट यहाँ पे जॉब क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं कॉलेज का, यहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं यहाँ पे भी, ऐसा मना नहीं करते। बट हम लोगों को एक्सप्लोरेशन चाहिए था, कनेक्टिविटी चाहिए, जो कनेक्शन और एक्सप्लोरेशन हमें बाहर फॉरन यूरोप कंट्री से मिलेगा वो यहाँ ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसके लिए भी हम लोग ने एक बार कंसिडर किया था, तो उनको हमने ये भी पॉइंट्स रखे, तो उन्होंने तो ऑब्वियसली मानना था कि हाँ ठीक है, वो चेकलिस्ट बनानी पड़ती है कि ये बात बोलना है, इस पे कन्विंस करना है, फिर इस पे yes. और एक एक करके सारी बातें बनवानी पड़ती है। और ऊपर से फिर हम दोनों साथ में प्लान कर रहे थे, तो फिर पेरेंट्स ने भी बोला कि ठीक है दोनों सपोर्ट में रहेंगे। हाँ, सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, आपके साथ कोई जा रहा है तो ऑफ कोर्स वो होप्स बढ़ जाती है, टेंशन कम हो जाती है एट द सेम टाइम, सो यस इट वाज इम्पोर्टेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मूविंग अहेड, वन ऑफ दी अदर क्वेश्चन दैट आई लुक आफ्टर इज कि वो अब जा रहे हैं तो इतनी सारी चीज़ें तो आप ले जा नहीं सकते, वो लगेज का भी प्रॉब्लम है, ये वो कुछ प्लान किया है क्या लगने वाले, क्योंकि अब तो वीज़ा लग गया, सो प्लानिंग चल रही होगी अगर हमें बहुत सारी बहुत सारी चल रही है, और ऐसा भी प्लान चल रहा है कि कुछ ये ले जाए और कुछ मैं ले जाऊँ, तो बहुत सारा कुछ ले जाए ना मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब कुछ खाना तो मिलना है नहीं, ऐसा खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही खाना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, बट ठीक है हम लोग एक दूसरे के साथ वहाँ पे रह के एंड थोड़ा मैच मूच करके जैसा भी जो है वो हम लोग करने की कोशिश। हमने सुना है कि मतलब स्टार्टिंग का एक्सपेंसिव रहेगा और इतना अपना अमाउंट भी नहीं, वहाँ जाके तो वर्क कर लेंगे, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, तब देखेंगे, लेकिन अभी कवर करने के लिए जितना अमाउंट ले जा सकते उतना तो ले जाना हो जाएगा। एंड अनदर थिंग, आपने जॉब्स की बात करी है, सो आर यू प्लानिंग फॉर लाइक क्या पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढेंगे एंड ऑल दैट स्टफ? हाँ ऑब्वियसली हम लोग तो वहाँ जाके एक बार पार्ट टाइम जॉब देखना जरूर प्रेफर करेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम इज अ गुड ऑप्शन वहाँ पे। एक वो होता है ना कि स्कॉलरशिप मिली ठीक है, लेकिन हमारे खुद के थोड़े खर्चे होते हैं, लाइक ये भी खर्च करना है वो भी करना है, तो फिर उसके लिए हम पार्ट टाइम जॉब करें तो वो बेटर है, वो ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन के लिए थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वैसे आगे मैं आपसे बात करूं, तो जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बट इनिशियली जैसे जब इतनी लंबी प्रोसेस चल रही थी तो फैमिली के क्या रिएक्शंस थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या इतना टाइम क्यों दे रहे हो जब दोनों की जॉब चल रही है और सब इतना सब चल रहा है? तो डाउट्स तो थे, कन्फ्यूजन्स भी था, जॉब चल रही थी छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो लोग भी पूछ रहे थे कि सबसे बड़ा सवाल था वीज़ा मिलेगा कि नहीं इतना इन्वेस्ट करने के बाद, तो
तो वो भी बहुत whenever you're not getting any visa ना जब तक आपके हाथ में वीजा नहीं आता ना तब तक आप क्वेश्चन मार्क हो एक घर वालों के सामने सबके सामने एक क्वेश्चन मार्क होते हो आप क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट किया होता है इतना ट्रैवल किया होता है अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता है वो सब चीज़ें आपकी कहाँ जा रही हैं आपको नहीं पता होता जब आपका वीज़ा लगता है ना उसके बाद वो सब जो रंग लाती है ना जो खुशी मिलती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खुशी होती है उसके बाद सारा आपका मतलब जैसे बोलते हैं ना तीर आपने मतलब निशाने पे लग जाए तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फीलिंग वो फीलिंग के लिए तो आप इतनी मेहनत करते हैं थ्रू आउट 8-10 मंथ्स Wow, now that's something to talk of. Now, इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अब वो इतने टाइम तक आपको कॉलेज साथ में था नया कॉलेज भी साथ में मतलब चार प्लस दो चार दो साल और आगे भी 6-7 साल होने वाले क्या जॉब का प्लान भी सोच के रखा है आपने किस तरह की जॉब करनी है वो भी थोड़ा ऐसा प्लान है क्या कि एक ही कंपनी टारगेट करेंगे Hopefully subject एक ही है कोर्स एक ही है तो most probable job भी एक ही मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा आने का तो वापस है लेकिन अगर जॉब वहाँ मिल जाती है और ऐसे MNC टाइप मिल जाती है तो पक्का इंडिया आने की कोशिश करेंगे At the same time, India visa counselors को अभी ये बात पता चली, तो would be a problem I think. But ये अच्छी बात है कि ये visa होने के बाद आप interview कर रहे हैं, तो it's not a problem. वहाँ तो लिखा है ना आपने intention clear है आपका. हाँ. वो तो वापस आना ही है, मैं तो घर वालों मुझे नहीं पता था कि मेरे स्पॉन्सर के पास एकदम से कॉल चला जाएगा इटालियन एम्बेसी का एंड उन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे वो तो अच्छा है कि मैंने डिस्कस करके रखा था स्पॉन्सर के साथ उनको सब कुछ पता था ईच एंड एवरीथिंग नहीं तो उन्होंने उनसे पूछा था कि आपकी जो बच्ची है उसने बैचलर्स कितना को किस में किया था एंड उसका नेक्स्ट मास्टर्स में जा रही है कि नहीं जा किस में जा रही है एंड कोर्स क्या है सब मतलब कोर्स का यूनिवर्सिटीज़ क्या है ये सब मतलब उन्होंने पूरा डीपली इनको जाके पूछा था लाइक आप क्या करते हो कितने साल से उस कंपनी में हो या फिर आपने कितना स्पॉन्सर किया है कैसे स्पॉन्सर किया है और आपकी मतलब वो जो डिटेल्स उन लोगों ने पूछी थी तो वेल मतलब उन्होंने उनको सेटिस्फाई कर दिया वो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा वीज़ा आ पाता wow. That is very important. आपके पेरेंट्स को आपके स्पेशली स्पॉन्सर का जिनका आपने नंबर दिया है उनके वो सारी डिटेल्स प्लीज ट्रांसपेरेंट रखें सो दैट कल को ऐसे जैसे इनके पास कॉल आया है वैसे आपके घर पर कॉल जाए आपके स्पॉन्सर को कॉल जाए तो वो आपके बिहाफ पर वो चार क्वेश्चंस का आंसर कर सके जो आपने आपकी प्रोफाइल में बताए हैं दिस इज अनदर रीजन हो सकता है आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो बट बिकॉज उनको आप स्पॉन्सर पे वो जस्टिफिकेशन पूरा नहीं मिल रहा है तो शायद हो सकता है आपका वीजा रिजेक्शन आ जाए So this can also be the reason. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें that you are little attentive after your visa interview and at the same time आप सारी information बता के रखें आपके counselor को हर किसी के साथ नहीं होता है sorry sponsor को हर किसी के साथ नहीं होता है इनके साथ नहीं हुआ था but chances are इनके साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें एक question ये भी आ रहा है कि जैसे visa success की हम बात कर रहे हैं तो आपके reaction तो समझ में आते हैं बच्चों के reaction हम ऐसे भी बात करते रहते हैं बट फैमिली की क्या रिएक्शन थे कब पता चला क्या कॉल से मैसेज से आपने कब बताया क्या क्या हुआ उस दिन वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे लाइक जैसे ही मैसेज आया कि आपका डिस्पैच होने वाला है लाइक फादर तो जॉब पे थे एंड दे ही वाज कॉलिंग आया क्या तो जैसे ही आया तो सभी खुश थे एंड सभी प्रे कर रहे थे कि मिल जाए इतनी मेहनत करने के बाद तो फाइनली मिल गया ऐसे ही मेरे साथ भी था तो अंजलि का मेरे से पहले वीज़ा आ गया था बिकॉज ऑब्वियसली उसका थोड़ा मेरे से पहले हुआ था तो उसका मेरे से पहले वीज़ा आ गया था उसके ऊपर तो अब मेरा वीज़ा आने का था तो इसका मुझे था कि इसका आ गया आई वॉज ऑल्सो होपिंग क्रॉस फिंगर क्रॉस था कि मेरा भी आ जाए ऑब्वियसली बट मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि वीज़ा जब तक आपके पास आता नहीं है तो आपको पता नहीं चलता कि वीज़ा है कि नहीं है तो वो चीज़ बहुत एंग्जाइटी थी बहुत ज़्यादा तो जब वो ओपन हुआ तो मैंने ऐसे मॉम के से दिखाया तो शी वॉज लाइक ऐसे ओ माई गॉड इसे सब ऐसे शॉक हो गया कि आ गया लिटरली आ चुका है बच्चा जा रहा है तो देवर लाइक थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि बच्चा 2 साल के लिए जाएगा इटली जा रहा है तो
दे गॉट इमोशनल, बट हाँ ऑब्वियसली जो है वो खुशी के आंसू थे उनके, और सब बहुत अच्छे से नाचने नाचने लगे, उन्हें गाने वाने लगाए, वी वर डांसिंग. सो ये एक बहुत अच्छा जॉयफुल इवेंट था, बहुत अच्छी मेमोरी थी वो कि हमारा साथ में आ गया. वन मोर थिंग, लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट होता है तो कैसे पेपर आता है, उसमें पेपर में लिखा आता है कि ये मेरे हाथ में एनवेलप था एंड आई जस्ट टच्ड कि ले ओ शिट इसमें पेपर है. जब तक मैंने उसको खोल के नहीं देखा तब तक आई वाज साइड विद इट, नहीं कुछ तो गड़बड़ है. वाओ वाओ, बट इन द एंड इट वाज ऑल फ्रूटफुल. यस, होलसम इंडियन मोमेंट्स यू सी, वही था. एंड फाइनली इन की प्रोसेस में अब जाके मुझे डिफरेंस मिला. मैं बहुत कोशिश कर रही हूं अब जाके मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता पा रहा हूं, दोनों का वीजा अलग-अलग डेट पर आया है. दैट इज द ओनली डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोसेस टिल नाउ. नाउ वैसे इनकी प्रोसेस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल सेम प्रोसेस है यार, और वो प्रोसेस हमने इस वीडियो में बात करी है. इट्स अ लॉन्ग इंटरव्यू एंड पूरी प्रोसेस आपको इनको इनकी वाली प्रोसेस पूरी पता चल जाएगी. बट जाते जाते एक प्रश्न आपसे जरूर है कि अब जैसे इंडिविजुअल जाता है यार, कि मैं जाता तो शायद इंडिविजुअल ही जाता, बट यू हैड अ फ्रेंडशिप गोल्स, तो व्हाट वर द स्टेप्स दैट यू टुक, या क्या क्या चीजें आपने करी, एंड अगर कोई और दो फ्रेंड्स बैठ के ये इंटरव्यू देख रहे हो और प्लान कर रहे हैं तो क्या बताना चाहेंगे आप उनको? सो ऐसा बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है कि दो दोस्त साथ में जा सकते हैं फॉरेन पढ़ने के लिए भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमने जा सकते हैं, पढ़ने भी जा सकते हैं, एंड वो हो रहा है हमारा साथ में. तो हाँ, हम लोगों को पहले पता नहीं था ऐसा हो सकता है, बट हमने वो प्रूफ किया कि नहीं ऐसा भी हो सकता है करके. ऑब्वियसली सर भी साथ थे, इनका पूरा साथ था, इनकी पूरी टीम का साथ था, सो दैट ऑल मेड अस टू यू नो अचीव दिस गोल टुगेदर. या एग्जैक्टली, मतलब अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते, हम दोनों तो अपने अपने जॉब में लगे हुए थे एंड पूरा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने इनका पूरा, इन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया पूरा, एंड हम भी पूरे तरीके से एक्टिव थे. अगर थोड़ा सा लेजीनेस करते तो शायद नहीं हो पाता. Actually, वो laziness, so that part doesn't come into picture because as much as your consultant to a student also has to do the same amount of work. वो ऐसा दिखता है कि यार consultant कर रहा है तो consultant ही करेगा. But it is both who decides whether you will get your visa. It's the balance of both consultant and your hard work. Absolutely. So yes, sir, वैसे इस interview में फिलहाल इतना ही है. Emotions भी हो गए, सब कुछ हो गए. But yes, interview proper story के लिए इस interview को आप जरूर देख सकते हैं. I guess फिलहाल इतना ही है. तो थोड़े दिन में ये निकलने वाले इटली के लिए, वहाँ से भी बहुत सारा content हम इनसे लेने वाले. So stay with us for that part 2. बहुत सारी reels and videos, बहुत कुछ आने वाला है. Stay for that. Till then, stay tuned. Subscribe जरूर करिएगा. कुछ question है, comment section is open. इनसे पूछ के मैं बता दूंगा कि दोनों मिलकर process कैसे करवा रहे हैं. कुछ भी question तो पूछ लेना इनसे. And till then, yes. Stay tuned and yes, thanks for watching.